हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो गैस, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप पीसी या फिर लैपटॉप में कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गैस, बहुत से लोग हैं जिन्हें लैपटॉप या पीसी में स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता है। तो गैस, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें तो आपको गैस स्क्रीनशॉट लेना आ जाएगा। तो गैस, मैं स्क्रीनशॉट लेने के आपको तीन तरीके बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गैस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और गैस, अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गैस, फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो करें क्योंकि वहाँ पे भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहता हूँ। और गैस, आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे मिलते रहेंगे मेरे फेसबुक पेज पे, जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। तो गैस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए चलिए हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको पहली ट्रिक बता रहा हूँ। तो पहली ट्रिक में आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन आपको बटन देखने को मिलेगा, इसे आपको प्रेस करना है। फिर जैसे आप प्रेस करते हैं इसे, तो जो भी आपकी स्क्रीन होगी वो कॉपी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, तो आपको सिंपली अपना प्रिंट ओपन कर लेना है। फिर जैसे आप प्रिंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस वी दबा देना है, तो आपने जो भी स्क्रीन कॉपी करा होगा वो यहाँ पे आपको पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ यहाँ से आप सेव कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एस दबा के इसे। देखिए, मैं सेकंड ट्रिक के बारे में बात करूँगा। तो भाई, सेकंड ट्रिक में क्या है, सेकंड ट्रिक में आपको यहाँ पे सर्च करना है आपको स्नाइपिंग टूल। तो भाई, जिसे आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको जो न्यू न्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे इसको एक बार क्लिक कर देना है। गाइस, अब आपको जिस चीज़ की भी स्क्रीनशॉट चाहिए वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस एस दबाऊंगा, फिर आप इसे जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं आप इसे सेव कर सकते हैं। गाइस, अगर आपके पास विंडो 10 है तो गाइस ये आपको यहाँ पे साइड में भी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपका डेट एंड टाइम आ रहा है वहाँ पे आपको यहाँ पे साइड में एक बार क्लिक करना है। अगर जैसे आप क्लिक कर देते हो गाइस, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन स्नैप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी है वो आपको सिंपली एक बार सेलेक्ट करके यहाँ पे एक बार क्लिक करके आप कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो आप कहीं पे भी ये स्क्रीन शॉट को सेव कर सकते हैं। तो गैस, अब मैं आपको तीसरी ट्रिक बताता हूँ। तो गैस, तीसरी ट्रिक में क्या है, आपको आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में आपको ये विंडो की और यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन, ये आपको दोनों एक साथ दबाना है। तो गैस, जैसे कि मैंने यहाँ पे दबाया तो गैस देखिए स्क्रीनशॉट ले ली इसने। अब आपको ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको माई कंप्यूटर ओपन करना है अपना। तो गैस, माई कंप्यूटर को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो आपका पिक्चर्स का ऑप्शन आ रहा होगा इसे आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो गैस, जो भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे उससे वो यहाँ पे आपकी सेव हो जाएगी। गैस देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट ली थी, ये सेव हो चुकी है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। और गाइस हमें ये भी जरूर बताएं कि गाइस आपको स्क्रीनशॉट लेने का कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगा, तो गाइस उसे कमेंट में जरूर बताएं। और गाइस ऐसी टिप्स एंड ट्रिक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।